है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मूंग पुली और मूंग दाल का पीठा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पहले हमें एक कटोरी मूंग दाल लेना है, फिर उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, धीमे आंच में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, लाइक 2 to 3 मिनट्स तक। फिर नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करना है, फिर इसको प्रेशर कुकर में डालना है। अब नारियल लेना है, नारियल को, ग्रेटेड कोकोनट को हम लोगों को विथ जैगरी उसको थोड़ा मतलब एक स्टफिंग के जैसे बनाना है। आँच थोड़ा लो ही रखें, लाइक फ्लेम को। ये देखिए मम्मी इसको बना रही है। कोकोनट और जैगरी मिक्स पूरा हो जाने के बाद इसका कलर जब ऐसे ब्राउन कलर आ जाएगा, लाइट ब्राउन कलर, फिर इसको निकाल लेना है। हमारा स्टफिंग जो है वो तैयार हो गया है। हमारा मूंग दाल भी ये अच्छे से बॉयल हो गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे इसको बॉयल कर लेना है। फिर एक कढ़ाई गरम करके जो बॉयल मूंग दाल हमारा है उसको ऐसे एक कढ़ाई में लेना है। फिर एक चम्मच से या करछी से इसको ऐसे प्रेस कर करके इसको स्मैश करना है। फिर थोड़ा सा राइस फ्लावर डालना है, थोड़ा थोड़ा करके राइस फ्लावर डालना है इसमें। अब मूंग दाल के पेस्ट को और राइस फ्लावर को हम अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये जब ऐसे एक डो जैसा बन जाएगा, फिर हम लोग हाथ से इसको प्रेस करके, जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, फिर इसको भी ऐसे गूंद लेंगे। फिर इसका थोड़ा थोड़ा लच्छा निकाल के, थोड़ा पेड़ा निकाल के पेड़े के शेप देंगे। कैसे करना है आप देख सकते हैं, मेरी मम्मी यहाँ पे बना के दिखा रही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। पेड़ा लेना है, फिर इसको साइड में प्रेस कर करके इसको एक ऐसा टेक्सचर देना है। अब जो हमने नारियल का स्टफिंग बना के रखा था, थोड़ा सा स्टफिंग लेके, जैसे हम मोमोज बनाते हैं ना, मोमोज में स्टफिंग डालते हैं फिर उसको एक शेप देते हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हो। मम्मी यहाँ पे मोमो हम जैसे बनाते हैं उस आकार का शेप दे रही है। तो बस एक मम्मी ने यहाँ पे बना के दिखाया है, तो बाकी भी हमें ऐसे ही बना लेना है। तो हमारा सारा पुली बन के तैयार हो गया है, अब हमें इसको फ्राई कर लेना है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करना है, फिर इन सारे पूली को हमें फ्राई कर लेना है, एक एक करके सबको फ्राई करना है अच्छे से। ये जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा फिर इसको हमें तेल से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं हमने सब पूली को फ्राई कर लिया है। दूसरे साइड में एक बर्तन में चीनी लेना है, फिर पानी लेना है, जैसे हम चीनी का सिरप बनाते हैं। फिर उसमें इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता डालना है फ्लेवर के लिए। फिर हमें ऐसे एक सिरप बनाना है, शुगर सिरप, जिसमें हम उस सारे जो हमने वो फ्राई करके रखा है पूली उसको हम इसमें डिप करने वाले हैं। यहाँ पे सारे पूली हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हमें शुगर सिरप में डिप करना है। बस हो गया, बहुत इजी प्रोसेस था। आप भी इसको घर पे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, और आप भी मस्ट ट्राई करना इस रेसिपी को। तो ये हमारा मूंग पुली बनके तैयार हो गया है। इसको आप शुगर सिरप में डिप करके रख सकते हैं, फिर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं विद सिरप। तो बस हमारा पुली बनके तैयार हो गया है। तो ये था मेरा आज का रेसिपी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा है, एंड वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।